नमस्कार, लाइव 24 पर आपके साथ मैं हूं शिवानी ठाकुर। दिल्ली में बाढ़ के मुद्दे पर हरियाणा और दिल्ली सरकार के बीच चल रहे विवादों को खत्म कराने करने के लिए हरियाणा के अधिकारियों की एक टीम मंगलवार को ITO बैराज पहुंची, जहां टीम ने सभी गेटों का मुआयना किया। हरियाणा सरकार के अधिकारियों का ये दल जल्द अपनी विस्तृत रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपेगा। पिछले हफ्ते बाढ़ आने के बाद हरियाणा और दिल्ली आमने सामने हो गए थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्रियों ने हरियाणा पर हथनी कुंड बैराज से अत्यधिक पानी छोड़ने का आरोप लगाते हुए दिल्ली में आई बाढ़ के लिए हरियाणा को जिम्मेदार ठहराया था। इसके बाद हरियाणा सरकार ने दावा किया था कि हथनी कुंड बैराज है, डैम नहीं, इसलिए यहां पानी छोड़ने की मात्रा को तय नहीं किया जा सकता। इसके बाद दिल्ली सरकार ने ITO बैराज के सभी गेट नहीं खुलने का आरोप लगाया था। आरोपों की सच्चाई जानने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री ने 15 जुलाई को 2 सदस्यीय हाई लेवल फैक्ट फाइंडिंग टेक्निकल कमेटी बनाने के आदेश दिए थे। कमेटी में 2 इंजीनियर इन चीफ को सदस्य बनाया गया था। हरियाणा सिंचाई विभाग के EIEC सतवीर कायदान की अध्यक्षता में एक टीम ने मंगलवार को दिल्ली का दौरा किया। टीम ने पूरी गहनता से जांच के बाद कहा कि ITO बैराज के 30 गेट खोले जा चुके हैं, 2 गेटों को सेना की मदद से खोला जा रहा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के अधिकारियों की टीम लगातार जाँच कर रही है। रखरखाव को लेकर हरियाणा पर जो आरोप लग रहे हैं वो पूरी तरह से निराधार है। कादयान ने कहा कि पूरे मामले की जांच कर ली गई है, बहुत जल्द ही सरकार को इस बारे में रिपोर्ट भी सौंप दी जाएगी। मंगलवार सुबह गेट नंबर 30 खोला गया। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने सुबह ट्विटर पर कुछ तस्वीरें शेयर की और लिखा कि ITO बैराज का गेट नंबर 30 आज सुबह 5:19 पर खुल गया। सरकार 13 जुलाई से बैराज के जाम पड़े 5 गेट को खुलवाने में जुटी है। इसके लिए सेना और नेवी की मदद भी ली जा रही है। बंद गेट इसलिए खोले जा रहे हैं ताकि हरियाणा की तरफ से अगर पानी दोबारा से छोड़ा जाए तो पानी यहाँ वहाँ जमा ना हो बल्कि आगे के लिए निकल जाए। ITO बैराज को राजघाट के पास इंद्रप्रस्थ थर्मल पावर प्लांट की 2 यूनिट को कूल करने के लिए बनाया गया था। बैराज में कुल 32 गेट हैं, जिसमें से 27 खुले थे और 5 बंद थे। समय के साथ यहां पर सिल्ट जमता चला गया। पिछले एक दशक के दौरान यमुना का जलस्तर इतना ऊपर नहीं आया था, जिससे इन 5 गेट के बंद होने से भी पानी के बहाव पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन इस बार यमुना का जलस्तर नए रिकॉर्ड पर पहुंच गया। इससे 5 गेट्स बंद पानी के बहाव को रोकने लगे और ITO से लेकर लोहे वाले पुल के बीच वाटर लेवल इतना अधिक हो गया कि पानी रोड तक पहुंच गया था। सौरभ ने हरियाणा सरकार से ITO बैराज की भी मांग की है।